सफलता के लिए स्वयं पर संयम बनाए रखना व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकल्प माना गया है, और जो व्यक्ति क्रोध पर एवं स्वयं पर संयम पा लेता है उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। इसीलिए कर्तव्य पथ पर संयम बनाकर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये हमारी आज चौथी क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत नया सिलेबस जुड़ा है उसमें घुमंतू जनजातियों के विषय में जो प्रश्न बन सकते हैं उनके विषय में हम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं सब कवर करने का प्रयास करेंगे, और चाहेंगे कि बहुत ही कम समय में सारी चीज़ों को कवर करते जाएं जिससे हमारी तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो आज हमारी चर्चा किस पे होगी? मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमंतू जनजातियों को लेकर। देखिए, बेहतर रूप से एक टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, घुमंतू जनजातियाँ। जब कोई MPPSC से सिलेबस लिख दिया होता है तो हम उसके हर पहलुओं को देखने का प्रयास करते हैं। अब जब घुमंतू जनजातियों की बात आएगी तो हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो एक अधिकरण बना है, एक विभाग बना है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियों को शामिल किया गया है, उन जनजातियों की क्या विशेषताएँ हैं, उनका क्या निवास स्थान है, उनमें कौन कौन सी एक सांस्कृतिक परंपराएँ पाई जाती हैं, उनमें कैसी कैसी विवाह की प्रथाएँ पाई जाती हैं, उनके प्रमुख देवताओं को क्या कहा जाता है, और साथ ही उनके संबंध में जो सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वही बिंदुओं पर हमारी चर्चा चलेगी। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विमुक्त जाति छात्रावास योजना के तहत बालकों एवं बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि है क्रमशः। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000 और 1130 रुपये, ऑप्शन बी 1090 और 1130 रुपये, ऑप्शन सी 1100 और 1200 रुपये, ऑप्शन डी 1130 और 1090 रुपये। तो आपको इसमें जल्दी से उत्तर देना है कि क्या आंसर होगा। देखिए, जो विमुक्त जाति छात्रावास योजना चल रही है ये मुख्य रूप से उन ST समुदाय के वर्गों के लिए चल रही है जो क्या है, मध्य प्रदेश की विमुक्त एवं अर्धघुमंतू जनजातियों में शामिल हैं। जैसे आपने बंजारा का नाम सुना होगा, कालवेलिया का नाम सुना होगा, इसी तरह बांछड़ा कुछ होते हैं, कुछ लोहार पिट्टा होती हैं, ऐसी कई सारी जनजातियां हैं, जैसे हरबोले जाति हो गई। तो इन जनजाति के सदस्यों के लिए जो बालक बालिकाएँ होती हैं जब अपने शहर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक बेहतर छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी, और उन्हीं के संबंध में कितनी राशि निर्धारित की गई है यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बालकों के लिए 1090 रुपये निर्धारित होते हैं और बालिकाओं के लिए 1130 रुपये। तो ये हमारी चर्चा हो गई किस पे, प्रश्न क्रमांक एक पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति छात्रावास योजना में शिष्यवृत्त कितने माह तक प्रदान की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 11 माह, ऑप्शन सी 10 माह, ऑप्शन डी 9 माह। तो जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये जो योजनाएं हैं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आपको पता है कि जब शिक्षा दी जाती है, जब हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उसमें 10 महीने ही कॉलेज और स्कूल लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 महीने। 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टी मिलती है। तो अब यही होता है कि यही 10 महीनों में क्या दिया जाता है, हम सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शिष्यवृत्ति अर्थात छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है 10 माह तक। और अगर बात किया जाए कि ये विमुक्त जाति छात्रावास योजना कौन से विभाग के अंतर्गत आती है तो एक विभाग बना है विमुक्त घुमंतू अर्धघुमंतू जनजाति कल्याण विभाग, कल्याण विभाग।
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इस योजना को शामिल किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे ही एक अभी पेपर देने गए थे तो उसमें प्रश्न पूछा गया था स्टेट फॉरेस्ट मेंस के एग्ज़ाम में कि जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है कौन से मंत्रालय के अधीन चालू की गई है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे इस योजना का नाम लिख ले और लिख दे कि कौन से, अब इसमें आदिम जाति का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति विभाग लिखा जा सकता है या फिर जनजाति कल्याण विभाग लिखा जा सकता है। तो कई सारे ऑप्शन होंगे, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है ये किस विभाग के अंतर्गत आएगी, विमुक्त घुमंत अर्धघुमंत जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 10 माह के लिए प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जातीय हित बस्ती के विकास के लिए जिसमें मोहल्ले टोलो डेरो की अधोसंरचना शामिल है के लिए कौन सी योजना के तहत प्रावधानित है। इसमें आपको बताना है कि जो विमुक्त जाति होते हैं, घुमंतु जनजाति होती हैं, उनके अधोसंरचना, उनके लिए सड़कों, अब इसमें अधोसंरचना में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, यह तो सड़क आ सकती है या नालियाँ आ सकती हैं या फिर तालाब आ सकते हैं या फिर ऐसे कोई भी सार्वजनिक कार्य आ सकते हैं जिसके तहत इनका सामूहिक क्या हो सके, उत्थान हो सके। तो उनकी अधोसंरचना के विकास के लिए कौन सी योजना शामिल प्रारंभ की गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है विमुक्त जनजाति बस्ती विकास योजना, विमुक्त जनजाति अधोसंरचना विकास योजना, ऑप्शन सी घुमंतु जनजाति प्रोत्साहन योजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जब PSC सवाल पूछती है तो हमको ज़्यादा, मैं बार बार कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसका आंसर सीधे से अपने को बता देना है विमुक्त जनजाति बस्ती विकास योजना, विमुक्त जनजाति बस्ती विकास योजना, तो इसका सही जवाब होगा ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोलर, ऑप्शन बी कंजर, ऑप्शन सी गोसाई और ऑप्शन डी बहरूपिया। जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कर दीजिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंजर। देखिए जो कंजर जनजाति है ये घुमंतु एवं अर्धघुमंतु में शामिल नहीं है, ये घुमंतु एवं अर्धघुमंतु में शामिल नहीं है, ये विमुक्त जनजाति के अंतर्गत शामिल है, विमुक्त। देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 51 जनजातियाँ ऐसी हैं, 51 जनजातियाँ ऐसी हैं जो घुमंत एवं अर्धघुमंत में आती हैं। अब इन 51 जनजातियों में से 30 जनजातियाँ घुमंतु और अर्धघुमंतु वाली हैं, प्लस 21 जनजातियाँ कैसी हैं जो विमुक्त से संबंधित रखती हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में बताइए कि विमुक्त जनजातियों के अंतर्गत कितनी संख्याएं निर्धारित की गई हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। या फिर पूछ रहे कि घुमंतु एवं अर्धघुमंतु के लिए कितनी जनजातियाँ अधिसूचित की गई हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या, 30। और अगर दोनों को सामूहिक रूप से कर दिया जाए तो फिर हमारा जवाब हो जाएगा क्या, 51। तो यहाँ पर पूछा गया है कि घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति में शामिल नहीं है, तो कंजर जो है विमुक्त जनजाति के अंतर्गत आती है इसलिए शामिल नहीं है। बाकी तीनों का नाम आप पढ़ लीजिए क्योंकि PSC कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए हम पूरे 30-30 जनजातियों को याद कर लें ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 30 जनजातियों को याद करने जाएंगे उसके बाद इनमें और भी नाम मिलते हैं, जैसे गोलर के कई सारे अन्य नाम हो जाएंगे, गोलूर हो जाएगा, गोलार हो जाएगा, अलग अलग नाम पे मिल जाएंगे, फिर जैसे गोसाई के और सारे नाम मिल जाएंगे, इसमें थोड़ा सा संशोधित रूप में मिल जाएंगे, तो हर किसी को याद नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से आपको दे दिया जाए तो आगे अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जनजाति घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति नहीं है। कुछ प्रश्न हम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंजारा, ऑप्शन बी सिकलीगर, ऑप्शन सी सिरंगी वाला, ऑप्शन डी भराड़ी हरबोला। तो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंजारा, क्योंकि बंजारा भी किसके अंतर्गत शामिल है, विमुक्त जनजाति के अंतर्गत
शामिल है। अगर बंजारा की बात की जाए तो बंजारा एक तरह की हमारे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान से जुड़ा हुआ भाग है, वहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। बंजारों की अगर खासियत बताई जाए तो इनमें क्या होता है कि ये खानाबदोश जनजातियाँ होती हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं, बार बार अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। इनका ये जो पूरा वो होता है, टोला होता है, उसके मुखिया को कहा जाता है नायक। नायक कहा जाता है इनके टोले के मुखिया को। तो ये चीज़ ध्यान रखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंजारों के जो नायक जो सरदार होते हैं, जो राजा होते हैं, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, तो उनको बोला जाता है नायक। फिर बंजारा के बारे में हमको पता है कि इनको कंघी का आविष्कारक माना जाता है, कंघी का आविष्कारक, कि इन्होंने ही सबसे पहले कंघी का आविष्कार किया। साथ ही बंजारा के बारे में हमको पता है कि ये सिख धर्म को मानने वाली जनजाति होती हैं। हालांकि बाद में कई सारे अन्य धर्म भी मानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से सिख धर्म को ये लोग मानते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किस पे, बंजारा पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, सेम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनगर, ऑप्शन बी कामद, ऑप्शन सी जोशी पिंगला, ऑप्शन डी मराड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मराड़ी, क्योंकि मराड़ी ऐसी कोई जाति है नहीं जो मध्य प्रदेश में निवास करती हो। धनगर, कामद और जोशी पिंगला, अब देखिए जोशी पिंगला में भी कई सारी जोशी के नाम से आएंगे, तो जो जोशी पिंगला, कामद और धनगर है, ये क्या है, आपकी घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति में शामिल हुई हैं। जो 30 हमारी जनजातियाँ हैं उनमें से ये 3 जनजातियाँ ये भी शामिल हैं। धनगर की अगर बात किया जाए तो ये सागर वाले क्षेत्र पे पाए जाते हैं, सागर जो मध्य प्रदेश के सागर और रायसेन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इनका निवास स्थान पाया जाता है। ये एक प्रकार के चरवाहे की जनजाति होती है, इनका मुख्य काम यही होता है। तो ये हो गई बात हमारी क्या इस प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भानमत, ऑप्शन बी गोंदली, ऑप्शन सी घिसाड़ी, ऑप्शन डी जोगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भानमत, क्योंकि भानमत किसके अंतर्गत शामिल है, विमुक्त के अंतर्गत। अब ये जितने ऑप्शन मिल रहे हैं इनको आप जब करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी और आपको दोनों चीज़ें मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वो विमुक्त संबंधित है, बाकी जो बची हुई हैं वो घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू से संबंधित है। तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारधी, ऑप्शन बी कुचबंद, ऑप्शन सी काशी कापड़ी और ऑप्शन डी कसाई या गडरिये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पारधी। देखिए पारधी जो जनजाति है, पहले इसको हमारे यहाँ एसटी के शेड्यूल में शामिल किया गया था, जो 46 जो हमारे शेड्यूल के अंतर्गत जनजातियों को शामिल किया गया था उसमें से एक पारधी भी थी, लेकिन 2003 में इनको वहाँ से हटा दिया गया और किस में शामिल कर दिया गया, विमुक्त जनजातियों में शामिल कर दिया गया। अब ये विमुक्त जनजातियों के अंतर्गत पाई जाती हैं और इनका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से भोपाल, रायसेन और सीहोर में पाया जाता है, भोपाल, रायसेन और सीहोर में इनका निवास पाया जाता है। पारधी की अगर बात किया जाए तो पारधी की कई सारी उपभाग भी हैं, कई सारे इसके भाग मिलते हैं, इनके नाम अलग मिलते हैं। जैसे ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, शिकारी प्रकृति के जनजातियाँ होती हैं, ये शिकार करना इनका पेशा होता है, तो बंदर का शिकार करना इनके लिए बहुत आम बात होती है, तो इसलिए एक होती है बंदर पारधी। फिर कुछ पारधी जनजाति जो चीतों को पहले शिकार करते थे तो उनका नाम पड़ गया था चीता पारधी। इसी प्रकार मगरमच्छ से तेल निकालने का काम करते थे कुछ पारधी जनजाति, उनका नाम पड़ गया था सीसी के तेल वाले पारधी। इस प्रकार कई सारे विभागों में ये पारधी जनजातियाँ बटी हुई है। कुछ ऐसी जनजातियाँ मिल जाएंगी इसमें जो लंगोट पारधी कहलाती हैं, जो लंगोटी बस का धारण करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किस पे, पारधी जनजाति पे।
आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी देसर, ऑप्शन सी बल्दिया, ऑप्शन डी जोशी बाजरिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जोशी के नाम से आएगा, मतलब वो घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति है। फिर बल्दिया और देसर ये भी घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के अंतर्गत शामिल है, लेकिन जो कालबेलिया जनजाति है ये किसमें शामिल नहीं है, ये आपके घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति पे शामिल ना हो करके विमुक्त जनजाति के अंतर्गत शामिल है, विमुक्त। अब अगर कालबेलिया के बारे में बात किया जाए तो कालबेलिया दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक होता है काल और दूसरा होता है बेलिया। ये लोग अपने आप को महाकाल का भक्त मानते हैं अपने, तो इसीलिए जो काल का अर्थ माना जाता है यहाँ पर उनको बोलते हैं महाकाल, और बेलिया मतलब होता है नंदी बैल। तो वो सैम को इन्हीं का क्या मानते हैं, दास मानते हैं। और इनकी अगर पहनावा की बात किया जाए कि एक अपना स्वरूप किस प्रकार धारण करते हैं, तो हाथों में रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, और कानों में कुंडल धारण करते हैं, कानों में कुंडल धारण करते हैं, साथ ही भगवे रंग का वस्त्र पहनते हैं, भगवे रंग का पहनावा रखते हैं। अर्थात ये अपने स्वरूप को इस प्रकार बनाने का प्रयास करते हैं ताकि बिल्कुल कैसे बन सके, शिव जी जैसा लग सके, भगवान महाकाल जैसे लग सके, इसलिए ये अपना स्वरूप उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गई बात हमारी क्या, कालबेलिया के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतरी, ऑप्शन बी हेजरा, ऑप्शन सी भराड़ी हरदास, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ईरानी। अब इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, ईरानी, छोटे ये है वो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कबूतरी, क्योंकि कबूतरी किस में शामिल होगी, विमुक्त जनजाति में। कबूतरी की बात करें तो कबूतरी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, इनको कबूतरा भी बोलते हैं, कबूतरा भी बोलते हैं, कबूतरी कबूतरा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों पे ये जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है, निवास करती है। हेजरा की हो जो बात या फिर भराड़ी हरदास की हो गई या ईरानी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति है। अब देखिए यहाँ पर नहीं नहीं लिखा है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि ढूंढने लगे कि कौन सी नहीं है, तो सब पहला ही दिख रहा है बैगा, तो बैगा लगा के चले आएँ, तो ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि कौन सी जनजाति है, तो हमारे ऑप्शन है बैगा, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी भारिया, ऑप्शन डी करोला। तो हमारा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी करोला, क्योंकि हमको पता है कि जो बैगा सहरिया भारिया हैं ये पिछड़ी जनजातियों में शामिल होती हैं, अर्थात ये पीवी टीजी ग्रुप के सदस्य हैं। और अगर सहरिया की बात की जाए तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, सहरिया पूरे भारत का सबसे बड़ा पीवी टीजी ग्रुप है, समूह है। साथ ही इनके निवास स्थान को आपको पता है कि सहराना बोलते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था कि इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, तो खुटिया पटेल पूछा था 2022 में, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, खुटिया पटेल। इसी प्रकार अगर बैगाओं की बात की जाए तो बैगा पनिका जनजातियों से संबंध रखती है, और एक इनमें बैगाओं में एक बढ़िया कला पाई जाती है, बैगा कला, जिसमें आपने नाम सुना होगा जोधैया बाई, जोधैया बाई का नाम सुना होगा। और बैगा इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, अर्जुन सिंह धुर्वे, जो मुख्य रूप से
परधौनी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। परधौनी नृत्य, परधौनी नृत्य में क्या होता है कि जो बैगा कलाकार होते हैं वो पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे और बारात के आगमन पर और बारात के दौरान ये नृत्य किया जाता है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे इसके लिए एक फेमस व्यक्तित्व हैं, इनको पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है और ये प्रश्न पीएससी पूछ भी चुका है। 2021 की प्री परीक्षा में ये प्रश्न पीएससी पूछ चुका है। तो ये बात हो गई हमारी क्या प्रश्न क्रमांक 11 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। तो अगला प्रश्न है, टांडा किसकी बसाहट को कहा जाता है? टांडा किसकी बसाहट को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी पारधी, ऑप्शन डी कबूतरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंजारा। टांडा मतलब होता है जो इनके घर होते हैं, जो इनके कस्बे लगते हैं, क्या होते हैं, खाना बदोश जनजाति होती है बंजारा। तो घूम घूम के जाके हर जगह टेंट लगाते हैं, तो कई सारे टेंटों को लगा करके एक मोहल्ला बना लेते हैं और उसी मोहल्लों को कहा जाता है क्या, टांडा। और इसी टांडा का मुखिया क्या कहलाता है, नायक कहलाता है, नायक। ये बंजारा जनजातियों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करुण मर्सीय मृत्य गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंजर, ऑप्शन बी कबूतरा, ऑप्शन सी भराड़ी हरबोला, ऑप्शन डी काल बेलिया। देखिए थोड़ा कठिन लग सकता है प्रश्न, लेकिन आपको ये सब चीज़ें इसीलिए कवर कराई जा रही हैं ताकि अगर पीएससी कितना भी कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करता है तो हमसे ये चीज़ें बन जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कबूतरा। कबूतरा के बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। और अगर इस जनजाति की बात की जाए तो इसके जो पुरुष होते हैं, पुरुष और स्त्री होते हैं, दोनों ही बहुत बलशाली होते हैं और दोनों ही शिकार का काम करते हैं, तो शिकार के काम में संलग्न होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों। तो ये कबूतरा की खासियत हो गई। तो करुण मर्सीय मृत्यु गीत अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है तो आपको जवाब क्या देना है, कबूतरा जनजाति। फिर अगला प्रश्न है, चांदी देवी को कौन सी जनजाति पूजती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंजारा, ऑप्शन बी पारधी, ऑप्शन सी बांछड़ा और ऑप्शन डी कबूतरा। तो चांदी देवी, आपने चांदी देवी का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ आपको बताना है कमेंट में कि चांदी देवी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज भी रहें, अशोक नगर, ये अलग प्रश्न है एक, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है आपको जल्दी से इसको कमेंट में बताना है, अशोक नगर, सीधी, गुना या शिवपुरी, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं इसके आंसर की बात करता हूँ। देखिए चांदी देवी को कौन सी जनजाति पूछती है, तो पारधी जनजाति मुख्य रूप से चांदी देवी को पूछती है और ये चांदी को इतना महत्व मानते हैं, चांदी देवी को, इसीलिए जो महिलाएँ होती हैं वो कमर के नीचे चांदी को धारण ही नहीं करती हैं क्योंकि सम्मान के रूप में उसको देखा जाता है। तो चांदी को भगवान के रूप में देखते हैं, इसीलिए कमर के नीचे चांदी के आभूषण धारण नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा है, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 अगस्त, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 31 अगस्त, ऑप्शन डी 31 सितंबर। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो MPPSC 2021 के प्री पे पूछ चुका है, पूछा गया है कि विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा 31 अगस्त। देखिए 31 अगस्त को 2021 से इसको मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ 2021 से मनाए जाने की घोषणा हुई है। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए कि विमुक्त जाति दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो 2021 से। और क्या बात किया जाए कि विमुक्त जाति के संबंध में और क्या प्रावधान मिलता है, तो 1952 में
1952 में, जब 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो कई सारी जातियों को तो शामिल कर लिया गया था, जनजातियों को शामिल कर लिया गया था 342(1) के तहत, लेकिन कई सारी जनजातियाँ क्या गई थी, छूट गई थी। तो लगभग 200 जनजातियाँ क्या हुई थी, छूट गई थी। फिर उनको आगे चल के बहुत सारा इनमें विरोध होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है जनजाति नेताओं की, और आगे चल के 1952 को, 31 अगस्त 1952 को इनको किसमें शामिल कर लिया जाता है, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। तभी से ये मांग उठने लगती है कि ये दिन विशेष तौर पे मनाया जाए, इसीलिए विशेष तौर पे ये दिन मनाया जाता था और 31 अगस्त 2021 ये लगातार मनाया जाने लगा। इसी को लेके करंट को आधार बना के कौन एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था यहाँ पर। अगले प्रश्न पे आते हैं, सर्पदंश उपचार के संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतु जनजाति पाई जाती है। आपको बताना है कि सर्पदंश उपचार के लिए, मतलब मार्केट में जब सांप काट लेता है तो आपने देखा होगा कि अगर सांप निकल आता है कहीं पर हमारे मध्य प्रदेश में, तो कई सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सांप को पकड़ने का काम करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सांप के विष के लिए दवा लेके बाजार में आते हैं, मतलब हमारे गाँव क्षेत्र में भी आते हैं बेचने के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि कौन सी जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी बंजारा और ऑप्शन डी पारधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कालबेलिया। देखिए, कालबेलिया स्वयं को महाकाल का भक्त समझते हैं, शिव के बहुत बड़े उपासक होते हैं, स्वयं शिव के जैसा वस्त्र धारण करते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। तो शिव भगवान की क्या खासियत होती है कि उन्होंने सर्प को अपने गले पे बांध के रखते हैं, तो इसीलिए ये भी काम क्या करते हैं, सर्पदंश के उपचार के लिए आगे रह के काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो बात बन जाएगी। तो सर्पदंश उपचार के लिए कालबेलिया जनजाति एक्टिव रहती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कालबेलिया नृत्य किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 2010, ऑप्शन बी वर्ष 2012, ऑप्शन सी वर्ष 2014, ऑप्शन डी वर्ष 2016। तो इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए वर्ष 2010। देखिए, जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहरों की सूची है, अब ये विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात आई है, तो आप लोगों का ध्यान गया होगा कि कहीं पर क्या बोलते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं, लोरक गुफाएं हैं, खजुराहो है, भीमबेटका है, तो वो उधर आपका ध्यान गया होगा। लेकिन ये जो शामिल हुआ है कालबेलिया नृत्य, ये अमूर्त धरोहर के अंतर्गत शामिल हुआ है, अमूर्त धरोहर के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हमारे भारत में कई सारी ऐसी चीज़ें क्या हैं शामिल की गई हैं, जैसे जो दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, काली की पूजा इसको बोलते हैं, काली पूजा, उसको भी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा को भी किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हमारी बात हो गई क्या, कालबेलिया नृत्य को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, कालबेलिया के बारे में और थोड़ी सी बात बता दूं कि ये नृत्य आपने देखा भी होगा, बहुत ही नेट में अगर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें महिलाएं क्या होती हैं, मुख्य रूप से स्त्री परक होता है, स्त्री परक, और महिलाएं सिर पर नॉर्मली क्या रख के, 4 से 5 मटके रखेंगे सिर पे और डांस करती हैं। तो मटकों को सिर पर रख के, मटकों को सिर पर रख के ग्रुप में डांस किया जाता है, और जो जो इस कला को संचालित करने वाले लोग होते हैं, और लोग होते हैं, वो इसके बगल में बैठ करके ढाप, डफली, तंबूरा, इस तरह की कई सारी चीज़ों को लेके साइड में बैठे रहते हैं, और वो वहाँ पर गायन का कार्य करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य का कार्य करती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी कालबेलिया। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा, कालबेलिया, क्योंकि मुख्य रूप से जो कालबेलिया है ये गुदड़ी बनाने का भी काम करती है, हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने का काम करती है। बैगा, कोरकू, सहरिया के बारे में आपको पता है, कोरकू के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से बैतूल
हरदा, होशंगाबाद वाला रीज़न है, यहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। और कोरकू जनजाति में एक प्रथा होती है सिडोली, ये प्रथा देखने को मिलती है। तो ये कोरकू की जनजाति के संबंध में हमारी बातें हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कालबेलिया वंश के संस्थापक हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु कानिपनाथ, ऑप्शन बी गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी संत नामदेव। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, अगर गोरखनाथ की बात की जाए, गुरु रामदास, संत नामदेव की बात किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और अगर इनकी और ख़ास बात की जाए, तो ये शिवाजी जब शासन कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो संत गुरु रामदास उनके क्या थे, गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे। और नामदेव का नाम आपने सुना होगा, गोरखनाथ, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वल्लभ संप्रदाय। और जो ये नाम मिलते हैं तीनों, ये दक्षिण भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन हो रहा था, उसमें नेतृत्व करते में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रश्न का एक्चुअल में उत्तर होगा गुरु कानिफनाथ। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है PSC ने, DSE का एग्ज़ाम होता है, DSE, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालबेलिया वंश का संस्थापक कौन है। तो हमारा उत्तर होगा गुरु कानिफनाथ। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रदेश के सीहोर और रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंजारा, ऑप्शन बी मोघिया, ऑप्शन सी पारधी, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारधी। पारधी मुख्य रूप से आपके सीहोर और रायसेन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है काफ़ी सारी चीज़ें, इसके बारे में अभी चर्चा कर ली थी। भीमा की अगर बात किया जाए, भीमा एक प्रकार की घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति है, और ये भीम जो महाभारत के अंतर्गत पांडवों में भीम थे, उनको अपना क्या मानती है, पूर्वज मानती है, भीम को पूर्वज मानती है, इसीलिए क्या बोली जाती है, स्वयं को भीमा कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला है चीता पकड़ने में माहिर जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीता भील, ऑप्शन बी चीता पारधी, ऑप्शन सी चीता कोरकू, ऑप्शन डी चीता गोंड। तो जवाब इसका देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा चीता पारधी। मैंने आपको अभी बताया ही था कि कई सारे पारधी के कई सारे विभाग पाए जाते हैं, कई सारे भागों में बटी हुई है, जैसे चीता पारधी हो गई, सीसी का तेल निकालने वाली पारधी हो गई, फिर इसके बाद बंदर पारधी हो गई, इसके बाद भील पारधी, एक भील पारधी भी होती है, भील पारधी, बंदर पारधी। तो ऐसे पारधी जो है कई भागों में बटी है, लेकिन जो चीता पारधी है उसका काम क्या करना किया जाता था, चीता पकड़ने में ये माहिर होते थे और उनका शिकार किया करते थे। पहले जब राजपूतों का शासन चल रहा था, तब ये जनजाति अपने यहाँ शिकार करने का काम करते थे, लेकिन आगे चल के चीता को किस में शामिल कर दिया गया था, अनुसूची वन में, जो WPA है, WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत पहले 6 अनुसूचियाँ शामिल होती थी, तो उन 6 अनुसूची में जो पहली और दूसरी अनुसूची हुआ करती थी, उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे, जो जानवर इसमें शामिल होते थे अनुसूची 1 व 2 में, उसमें किसी प्रकार का शिकार प्रतिबंध होता था, इसी में शामिल किया गया था किसको, चीता को, इसीलिए इसमें क्या हुआ था, चीताओं के जो शिकार होते उस पर प्रतिबंध लग गया था। आगे चलते हैं, आगे है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न रिपीट है, इसका जल्दी से आप जवाब दे देंगे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 अगस्त, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 31 अगस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी राजगोंड, ऑप्शन सी बल्दिया, ऑप्शन डी बांछड़ा। तो देखिए, जो राजगोंड है और बल्दिया है, ये घुमंतु जनजाति के अंतर्गत शामिल है, घुमंतु जनजाति, और जो बैगा है ये PVTG है, और जो बांछड़ा है
ये है विमुक्त जनजाति। और इस प्रश्न का जीवन यापन है तो नट कार्य करने का काम कौन करती है? बांछड़ा। बांछड़ा ही मुख्य रूप से क्या करती हैं? नट कार्य करती हैं, मतलब कि नाटकी मंचन करती हैं, ये नाटक कला को ये प्रदर्शित करती हैं जगह जगह पे जाके, और भीख मांगने का काम भी ये लोग करते हैं अपने नाट प्रदर्शन कर करके। तो ये बांछड़ा जनजाति से संबंधित ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी कंजर, ऑप्शन डी धनगर। तो कालबेलिया में आपको बता ही दिया था, कालबेलिया के गुरु कौन थे? गुरु काफिक कानिफनाथ। और ऑप्शन बी बंजारा, बंजारा में तो ये अपने आप को इसका वंशज नहीं मानते हैं। ऑप्शन सी जो है कंजर, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये अपने को किसका वंशज मानते हैं? मान गुरु का वंशज मानते हैं। और कंजर की अगर बात किया जाए तो कंजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। साथ ही ये भारत के बाहर भी, पाकिस्तान में भी ये जनजाति देखने को मिलती है। पाकिस्तान में भी इन जनजाति का निवास रहता है। अब पाकिस्तान का पढ़ने तो हम जाएंगे नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से है इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। और इसको किस में शामिल किया गया है? विमुक्त जनजाति में शामिल किया गया है। ये विमुक्त जनजाति के अंतर्गत शामिल की गई है इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। अगला है, नरसी पारसी का संबंध है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारिया, ऑप्शन बी भारडी हरबोला, भारडी हरबोला, ऑप्शन सी कंजर और ऑप्शन डी लोहार पिट्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंजर। देखिए, जो कंजर जो जनजाति होती है वो मुख्य रूप से कंजरी भाषा का प्रयोग करती है। इनकी एक भाषा होती है, वो होती है क्या? कंजरी बोली। कंजरी बोली का मुख्य रूप से क्या करती है? ये प्रयोग करती है। लेकिन कुछ कुछ जो कंजर लोग होते हैं, कंजर जनजाति के लोग होते हैं, वो उर्दू, फारसी, आपका सिख भाषा जो होती हैं, इनको भी ये लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। इसीलिए जो इस भाषा को बोलने वाले कंजर लोग होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? नरसी पारसी बोला जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, चक्राकार नृत्य किस जनजाति का है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी बैरागी, ऑप्शन सी भाटू, ऑप्शन डी कंजर। तो ये इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कंजर। कंजर जनजाति, चक्राकार नृत्य में क्या होता है कि एक चक्र बना दिया जाएगा, स्त्रियां यहाँ पर खड़ी रहेंगी चारों ओर, और वो चक्र पे रह के क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। तो ये हो गया चक्राकार नृत्य। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बल्दिया, ऑप्शन बी कानद, ऑप्शन सी हेजरा, ऑप्शन डी कंजर। तो इस सवाल का भी सही जवाब क्या होगा? कंजर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंजर होते हैं वो सिख भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो कंजर यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। हालांकि जो बंजारा जनजाति है वो भी मुख्य रूप से क्या करती है? इन्हीं धर्मों को मानने वाले लोग भी होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को गिहार कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी कंजर। तो इसका जवाब भी क्या होगा? कंजर, ऑप्शन डी कंजर इसका सही जवाब होगा। तो अब कंजर के बारे में हमने कई सारी चीज़ें, तथ्य यहाँ पर प्राप्त कर ली कि नरसी पारसी का संबंध किससे है, कंजर जनजाति से है, हिंदू सिख और इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति कौन सी है? कंजर जनजाति है। गिहार शब्द का संबंध किससे है? तो वो कंजर जनजाति से है। इस प्रकार और जो प्रश्न हमने कंजर के संबंध में देखे हैं वो कवर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी निमाड़। तो भराड़ी हरबोला एक प्रकार की घुमंतु अर्धघुमंती जनजाति है, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के अंतर्गत शामिल एक जनजाति है। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये निमाड़ अंचल में देखने को मिलती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? नाच गान करके मुख्य रूप से गायन कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। गायन कार्य इनका मुख्य कार्य होता है।
और ये गायन के लिए प्रयोग करते हैं श्रवण तुला, श्रवण तुला का। अब श्रवण तुला क्या होता है, एक प्रश्न और इसके संबंध में है, उस जगह पर आपको मैं ये चीज बताऊंगा। तो भरडी हलबोला किस क्षेत्र की जनजाति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निमाड़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंबूरा या श्रवण तुला वाद्य यंत्र किस जनजात से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनगर, ऑप्शन बी मोघिया, ऑप्शन सी भराड़ी हलबोला, ऑप्शन डी कामद। तो देखिए अभी मैंने इसके पहले ही चर्चा की थी, तो इसका संबंध किससे है, भराड़ी हलबोला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी भराड़ी हलबोला। अब तंबूरा होता क्या है, तंबूरा को सिंपल समझिए कि एक होता है सितार और एक होता है गिटार। अब गिटार के बारे में आपको बता दूं कि जो गिटार होता है, बीच में बढ़िया साफ बनाया जाए गिटार के बारे में। देखिए गिटार जो होता है, फिर ऐसे इसमें जाएगी वो, ऐसे, और यहाँ पर एक छेद होता है और यहाँ से छह जो है इसमें तार बंधे होते हैं। और जो अगर हम सितार की बात करें तो सितार मुख्य रूप से इसी रूप में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसमें ये खोखला होता है, लेकिन वो खोखला नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है पूरा बंद रहता है और वो ऊपर की ओर ऐसे जाता है और बीच में यहाँ से तार निकले रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं और इसको बैठ के पीछे हाथ से फिर बजाया जाता है। तो इसी सितार का ही एक संशोधित रूप होता है क्या, आपका तंबूरा। तंबूरा, अब तंबूरा में चार तार लगे रहते हैं, चार तार, और काफ़ी बड़ा होता है ये, बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति खड़े होकर इसका सहारा लेकर टिक जाता है और फिर बजाता है, पूरा चार तार लगे रहेंगे और पूरा व्यक्ति के बराबर, मतलब मेरी हाइट के बराबर होगा और उसको बजाया जाता है। तो तंबूरा का प्रयोग कर करके ये भराड़ी हरबोला जगत के लोग मुख्य रूप से आल्हा गायन का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि बांछड़ा जनजाति का संबंध है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दसपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी बघेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी निमाड़ क्षेत्र। तो बांछड़ा जनजाति मुख्य रूप से जो आज का मंदसौर वाला एरिया है, मंदसौर राजस्थान से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, जो ये वाला एरिया है। इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलती है, इस जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है दसपुर क्षेत्र। अब आप ये बताइए कि दसपुर में एक शासन बहुत लंबे समय तक रहा है, बहुत ही उसमें प्रतापी शासक रहा है, कौन सा शासक, यशो वर्मन। वो आपको बताना है ऑप्शन में, यहाँ पर उत्तर बताना है कमेंट में कि वो किस वंश से संबंध रखता था। दसपुर के बारे में आपने और चीज़ सुना होगा, दसपुर में आपने यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है जो सबसे पहला विज्ञापन होता है, सबसे पहले विज्ञापन का अभिलेख, दसपुर अभिलेख मिलता है, कुमारगुप्त का होता है वो, कुमार गुप्त का, जिसमें यह जानकारी होती है कि रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों द्वारा। तो रेशम बुनकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप को प्रसारित ही कर रहे हैं, तो ये इसीलिए इसको पहला विज्ञापन का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका जवाब आपको देना है, चलिए आप लोग परेशान मत होइए, इसका मैं ही जवाब दे देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ओलिकर वंश, ओलिकर। और अभी जो मेंस इस बार संशोधित हुआ है, उसमें जो दूसरी यूनिट है, पेपर वन का दूसरी यूनिट है, उसमें ओलिकर वंश अलग से लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश, तो इसको बहुत अच्छे से आगे चल के तैयार करना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को बांस चढ़ा पुकारते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी सांसी, ऑप्शन डी बांछड़ा। अब देखिए मैंने बताया ना पीएससी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ पर हमको बांछड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि बांछड़ा से मिलता जुलता है, इसलिए यही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ऐसा बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि बांछड़ा जो है जब कला वाला काम करते हैं,
कलाकारी वाला काम करते हैं तो उसमें बांस कला को बहुत महत्व देते हैं। बांस से बने हुए बहुत सारे टोकरियां बनाएंगे, कुछ फर्नीचर के काम करेंगे, तो बांस कला को बहुत ज़्यादा ये क्या देते हैं, इनके आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इसीलिए इनको बांस चढ़ा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। देखिए ये कठिन और भी पूछा जा सकता है क्योंकि डेट भी लेके पूछी जा सकती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2011। देखिए 22 जून 2011 को इसका गठन किया गया और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स कहाँ है, भोपाल में, श्यामला हिल्स भोपाल में ये स्थापित है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 51 अनुसूचित जनजातियां हैं इसके संबंध में उनके कल्याण के लिए क्या करना, योजना का निर्माण करना, सरकार को समय समय पर सलाह देना, कोई अगर बजटीय प्रावधान देना है, सरकार को अनुमोदन देना है तो उसके लिए क्या करना, एक अनुमोदन प्रदान करना कि हमको इतने प्रयासों की ज़रूरत है। तो ये सारे काम करने का काम कौन करता है, ये विभाग करता है। लगभग 62 कार्य इसको सौंपे गए हैं, 62 कार्य इसको सौंपे गए हैं। तो ये बात हो गई हमारे किसके अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 54। तो इसके बारे में मैंने अभी चर्चा कर ही ली है आपसे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 51। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी बिजवार, ऑप्शन सी भारिया, ऑप्शन डी कंजर। तो आपको बताना है कौन सी विमुक्त के रूप में शामिल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंजर। देखिए बैगा और भारिया आपके किससे संबंधित है, पीवीटीजी ग्रुप से, और बिजवार जो है बैगा का ही क्या है, अपडेटेड जनजाति है, बहुत ज़्यादा आधुनिक रूप जो धारण कर ली है बैगा ने वो होती है बिजवार। और बिजवार से ही संबंध रखते हैं कौन, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं वीर नारायण सिंह का संबंध किससे है, बिजवार जनजाति से ही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया था। देखिए 2011 में किसका गठन किया गया, विभाग का गठन किया गया। तो इसके पहले कैसे काम करता था, इसके पहले एक अभिकरण के माध्यम से काम करता था, कौन सा, ये घुमंतु अर्ध घुमंतु, इनको खानाबदोश अर्ध खानाबदोश जनजाति भी बोलते हैं, तो उनके लिए काम करते थे। तो ये 1996 में इसका गठन किया गया था। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 1996, तो 1996 में ये काम करता था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 इसमें अशासकीय सदस्य होते हैं जो किससे संबंध रखते हैं, जनजातियों के कल्याण से संबंध रखने वाले विभिन्न समाज से भी हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से क्या काम कर रहे होंगे, जिनको 10 साल का अनुभव रहता है वो यहाँ पर अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ये जो हमारा विभाग है, एक मंत्रालय है, आदिम जाति मंत्रालय उसके अधीन रह के काम करता था, लेकिन अभी इसको किसके अधीन कर दिया गया है, जो हमारा विभाग बना है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति कल्याण विभाग बना है उसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितनी जनजातियां घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के रूप में मान्य है, तो इसका जल्दी से कमेंट दे दीजिए कितनी मान्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजाति से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी पारधी, ऑप्शन सी बैरागी, ऑप्शन डी बंजारा।
तो आप इससे गेस कर लीजिए कि पहले की जो बॉलीवुड की मूवी बनती थी उसमें भी बंजारा जनजातियों को लेके मूवी बना दी जाती थी। कई सारी ऋषि कपूर वगैरह की मूवी है जो बंजारा जनजातियों को लेके बनी है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, बंजारा। अब बंजारा की अगर खासियत बोले तो बंजारा को कंघी का आविष्कारक बोला जाता है। ये हाथों पर हाथी के दांत से बने हुए क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, हाथों में, हाँ कंधे में चूड़ियाँ पहनती हैं, तो हाथी के दांत की चूड़ियाँ के चूड़ियाँ, साथ ही सिर पे एक विशेष रूप से इनका अलंकरण रहता है जो इनको भी एक बेहतर पहचान देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये अलंकार प्रिय क्या रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं। तो इस सब प्रश्न का सही जवाब होगा क्या, बंजारा जनजाति। अगला है, डंडा वैली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंजारा। अब देखिए, जो डंडा वैली नृत्य है मुख्य रूप से राजपूतों की जो सभा लगती है उसमें किया जाता था बंजारा जनजाति के द्वारा। साथ ही बंजारा के द्वारा दो और नृत्य किए जाते हैं, एक होती है तलवार नृत्य और दूसरी होती है मछली नृत्य। मछली नृत्य, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि मछली नृत्य और तलवार नृत्य का संबंध किससे है, तो आपको बताना है किस जनजाति से है, बंजारा जनजाति से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के समूह में शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंजारा, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी भीमा, ऑप्शन डी पारधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पारधी। पारधियों को जब 2003 से हटाया गया तो किसमें शामिल कर दिया गया, बहेलियों को शामिल कर दिया गया इसमें। अगला प्रश्न है, भीकू रामजी आयोग का गठन कब किया गया। वर्ष 1995 में, वर्ष 1997 में, वर्ष 1999 में या फिर वर्ष 2000 में किया गया, कब किया गया, आप इसका जवाब जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1999 में। भीकू राम जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र से संबंधित एक व्यक्तित्व हैं। 1999 में आयोग का गठन किया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ताकि यह तय किया जा सके कि जो विमुक्त घुमंत अर्ध घुमंत जनजाति हैं उनको कैसे शामिल किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने आधार बनाया था कि आर्थिक क्या होनी चाहिए, विपन्नता की स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक विपन्नता, शैक्षणिक पिछड़ापन, और साथ ही क्या होना चाहिए, उनका निवास स्थान क्या होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए, अस्थाई निवास होना चाहिए। तो ऐसे जनजातियों को किसमें शामिल किया जा सकता था, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों में शामिल किया जा सकता था। तो भीकू राम जी को अभी 2023 में इनको पद्मश्री भी प्रदान किया गया है, 2023 में पद्मश्री, जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था जमशेद जी ईरानी उरानी के बारे में, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है भीकू राम जी के बारे में, तो 2023 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंत एवं अर्धघुमंती जाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो देखिए, इसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जो अभिकरण बना था उसमें कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है कि कितने सदस्य क्या होते हैं, अशासकीय सदस्य होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कुल कितनी विमुक्त जनजातियाँ अधिसूचित है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी विमुक्त जनजातियाँ अधिसूचित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 30। तो आप जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी जनजातियों को लगभग शामिल किया गया है, कि इसमें बंजारा को, कंजर को, बांछड़ा को, कालबेलिया को, भीमा को, ऐसे भानमत को, ऐसे कई सारी जनजातियों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के विकास एवं कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया। तो यह सेम प्रश्न है, इसका आपको उत्तर पता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 2011 में। अगले प्रश्न में आते हैं, आलाखंड का गायन करने वाला जनजाति है, ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी हरबोले, ऑप्शन डी धनगर। तो अभी मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में कि आलाखंड का गायन करती है कौन सी, भराड़ी हरबोले जनजाति, जो मुख्य रूप से किसका, तंबूरा का प्रयोग करती हैं, जो श्रवण तुला होता है उसका प्रयोग करती हैं आलाखंड गायन में। तो ये निमाण के क्षेत्र में आलाखंड का गायन करती हैं, और आलाखंड के रचयिता कौन है, वो है कौन, जगनिक। जगनिक इसमें 52 लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। और अगर आलाखंड की लिपि की बात की जाए, कौन सी लिपि में लिखी गई, कौन सी बोली में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है बनाफरी में। बनाफरी बुंदेली की एक उपबोली है, बनाफरी। बनाफरी में आलाखंड को क्या किया गया है, लिखा गया है। तो पूरी ये बात हो गई किस पे, आलाखंड को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं, निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचान रखने वाली जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंजर, ऑप्शन बी बल्दिया, ऑप्शन सी हरबोले, ऑप्शन डी कोरको। तो इसका सही जवाब होगा हरबोले, क्योंकि अभी हम इस पे चर्चा काफ़ी कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, बाछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है। बाछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी कंजर, ऑप्शन डी बंजारा। अब बांछड़ा के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये पश्चिमी वाले भाग में, आज दसपुर वाला क्षेत्र है, मतलब मंदसौर, राजस्थान, झालवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो ये किसके जनजातियों से मूलतः संबंध रखती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंजर। तो इनका संबंध किससे बताया जाता है, कंजर से बताया जाता है। और कंजर के बारे में मैंने बताया था कि ये कहाँ पर भी पाई जाती हैं, पाकिस्तान तक में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और इनके बारे में नरसी पारसी के संबंध में हमने पढ़ा, फिर इनमें कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं, फिर कंजर को गरोही भी कहा जाता है। तो ये सब हमने बातें की थी। अगला प्रश्न है, बाछड़ा जनजाति किसे देवता के रूप में पूजती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीपल वृक्ष, ऑप्शन बी नीम का वृक्ष, ऑप्शन सी तुलसी का पौधा, और ऑप्शन डी बरगद का वृक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीपल का वृक्ष। आपको बताना है कि जब महात्मा बुद्ध, आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा बुद्ध जहाँ पर ज्ञान ग्रहण किए थे, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्त हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, वो कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो आपको ये बताना है। और उसको फिर आगे मैं बता दूँ, उस वृक्ष को गोंड वंशी शासक जो शशांक था, उसने उस वृक्ष को काट दिया था। तो ये बात हो गई किस पे, हमारी बाछड़ा जनजाति को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं, और हमारा आखिरी प्रश्न है, बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारिया, ऑप्शन बी बल्दिया, ऑप्शन सी पारधी, ऑप्शन डी राज गोंड। तो इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारधी। पारधी जो है मुख्य रूप से बंदरों का शिकार करने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी चर्चा आज के प्रश्नों पे हुई, और मुझे लगता है कि घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजाति के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे कठिन और इससे अंदर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली जो हमारी चर्चा होगी वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनकी क्या परंपराएँ हैं, उनकी क्या संस्कृतियाँ हैं, उनकी क्या लोक कलाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, उनकी जो लोक चित्रकला है, उनके संबंध में जो प्रमुख व्यक्तित्व भी रखते हैं, कुछ संबंध रखते हैं, उनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन समस्त पर हम प्रश्न बनाए हैं, उसमें हमारी काफ़ी लंबी चर्चा होने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।